नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। मेरे किसान भाइयों, मैं देव भारद्वाज और आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मेरे किसान भाइयों, जैसा कि आप ये खेत देख पा रहे हो, ये 3 एकड़ का खेत है और इस 3 एकड़ के खेत के अंदर हमने टमाटर की फसल लगाई है। और जो ये टमाटर की फसल है, जैसा कि आप ये सामने देख पा रहे हो किसान भाई, इनका नाम है अर्जुन लाल जी। तो ये इन्हीं का खेत है और इन्हीं के खेत के अंदर ये 3 एकड़ के अंदर टमाटर की फसल लगाई है। और ये जो टमाटर की फसल आप ये देख पा रहे हो, ये एकदम इनके अंदर बहुत ही अच्छा हरापन देखने को मिल रहा है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। तो आज हम अर्जुन लाल जी से यही डिस्कस करने वाले कि इन्होंने आखिर इस खेत के अंदर क्या डाला ऐसा कि जिससे इनको अच्छी ये टमाटर की फसल इनकी एकदम स्वस्थ है और एकदम बहुत ही मतलब देखने में भी अच्छी लग रही है और हरापन वगैरह ग्रोथ वगैरह और एकदम बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो अर्जुन लाल जी, आप ये जो टमाटर की वेरायटी, आखिर कौन सी वेरायटी आपने लगाई है? ये सिजेंटा कंपनी की रोकी वेरायटी है। अच्छा, तो ये सिजेंटा कंपनी की रोकी वेरायटी है और आपने ये कब लगाई थी? या 25 दिसंबर को नर्सरी ट्रांसप्लांट की थी। अच्छा, 25 दिसंबर को नर्सरी ट्रांसप्लांट की थी। तो आज हो गई 9 फरवरी हो गई, तो डेढ़ महीने की हो गई। हाँ, ये डेढ़ महीने की फसल हो गई है ये। और आपने अपने खेत के अंदर ऐसा क्या डाला कि मतलब इतने अच्छी फसल है आज की तारीख में ये? देखो, देसी गोबर का खाद, हाँ, और मुर्गी का खाद, हाँ, और जैविक खाद डालता हूँ। जैसे ब्लैक जिप्सम, मैंने जो बेड डालती टाइम में ब्लैक जिप्सम डाला है मैंने इसमें। अच्छा, तो ये मतलब आपने जैविक खेती करी है? कम्प्लीट खेती करी है और कुछ नहीं डाला अभी तक। अच्छा, तो ये आप जब हर बार ये जैविक खेती करते हो या फिर इसी बार की आपने? नहीं, 4-5 साल हो गए जैविक खेती करते हुए। अच्छा, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है जैविक? बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ब्लैक जिप्सम है, वो बहुत अच्छी काम कर रही है। 4-5 साल हो गए मेरे को यूज में लेते हुए इसको। अच्छा, तो मेरे किसान भाइयों, इन्होंने क्या कि देसी खाद का इस्तेमाल लिया है, जैसे कि गोबर वगैरह, मुर्गे का खाद और एक ब्लैक जिप्सम का इस्तेमाल लिया है। जो ये ब्लैक जिप्सम है ना, मतलब बहुत ही अच्छा ये खाद है, आप इसको कह सकते हो। इसके अंदर क्या कि कैल्शियम, सल्फर और नाइट्रोजन बहुत पाया जाता है। और मेरे किसान भाइयों, रिजल्ट आपके सामने, जैसे कि अभी देख पा रहे हो। और ये खाद डालने का प्रोसेस कैसा है, आप ये बताइए? पहले तो डाल दिया गोबर का खाद, हाँ, फिर मुर्गी का खाद डाल दिया, हाँ, फिर जैसे बेड डाली ना, हाँ, तो बेड में ब्लैक जिप्सम डाल दी। अच्छा, तो मतलब ये तरीके से आप खाद डालो अपने खेत के अंदर और अपनी जो टमाटर की फसल है, जो भी एक्सेट्रा अलग अलग आप फसलें लगाते हो, उसके ऊपर अच्छा खाद डालोगे तो आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो आपको विश्वास है क्या कि ये आगे तक भी बहुत ही स्वस्थ रहने वाली है फसल? बिल्कुल, ये तो मेरे को अजमाइश करी हुई है। हाँ, बिल्कुल अच्छी रहेगी ये, तो मतलब अपना रहेगा इसमें, हाँ, और अच्छी फसल रहेगी। अच्छा, तो मतलब इन्होंने क्या है कि रोग आने से पहले ही अच्छा इन्होंने बंदोबस्त कर लिया कि रोग आ ही ना पाए। तो आज की तारीख में तो अभी तक तो कोई रोग नहीं है और ना ही इनका कहना ये कि कोई रोग भी नहीं आएगा। तो आगे की वीडियो, जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होते जाएगा, उसकी मैं वीडियो आपको आपके लिए बनाता रहूंगा और जैसे ये प्रोडक्शन देगा उसकी भी मैं आपको वीडियो लाइव बना के बताऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।